स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और ये है आपका शॉर्ट स्टोरी से 8th स्टोरी, द लिटिल मैच गर्ल। लिखा है इसको हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने। और पहले वाली स्टोरी की तरह भी ये इस स्टोरी में एक छोटी बच्ची की कहानी है। और ये भी जो है कि बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, आपके दिल को छू जाएगी रूह तक। शुरुआत करते हैं कि इट वॉज बिटरली कोल्ड, स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग, फॉर इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, इट वॉज न्यू ईयर्स ईव। बिल्कुल कड़ाके की ठंड थी, बर्फ भी गिर रही थी, अंधेरा घिर रहा था और ये आखिरी शाम थी पुराने साल की, यानी 31 दिसंबर की रात थी, है ना। नए साल था, अगले दिन न्यू ईयर्स ईव था, है ना। नए साल के शाम कह सकते हो कि अगले दिन क्या है, नया साल आने वाला है। इन द कोल्ड एंड ग्लूम अ पुअर लिटिल गर्ल वॉक्ड बेयर हेडेड एंड बेयर फुट थ्रू द स्ट्रीट्स। यानी ठंड में, ग्लूम मतलब अंधेरे में, एक बेचारी, पुअर मतलब यहाँ गरीब नहीं, गरीब तो है ही लेकिन यहाँ पे बेचारी छोटी सी बच्ची टहल रही है। और उसके सर पे भी कुछ नहीं है क्योंकि जाड़े के मौसम में टोपी होनी चाहिए। बेयर फुट पाम में भी चप्पल नहीं है, गलियों से गुजर रही है। शी हैड बीन वेयरिंग स्लीपर, इट इज ट्रू, व्हेन शी लेफ्ट होम, बट व्हाट गुड वेयर दे। वो जब घर से निकली तो उसके पैरों में चप्पल थी जब घर से वो छोड़ी, ये बात सच है, लेकिन क्या ही फायदा था। दे हैड बीन हर मदर्स, वो उसकी माँ के थे, सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दे वेयर, कि कितने बड़े रहे होंगे वो चप्पल जो पहन के निकली थी स्लीपर्स। द लिटिल गर्ल हैड लॉस्ट देम एज शी रैन अक्रॉस द स्ट्रीट टू एस्केप फ्रॉम टू कैरेजेस दैट वेयर बीइंग ड्राइवन टेरिबली फास्ट। अब यहाँ दो गाड़ियों की बात हो रही है, कैरेजेस की, कि सड़क पे बिल्कुल जो है काफी तेजी से जा रही थी। ड्राइवन टेरिबली फास्ट यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बहुत तेजी से जा रही थी, तो उससे बचने के लिए वो गलियों में दौड़ी स्ट्रीट से, तो उसका एक चप्पल खो गया, है ना। द लिटिल गर्ल हैड लॉस्ट देम, वो खो गया। वन स्लीपर कुड नॉट बी फाउंड, जब चप्पल खोया तो एक तो मिला नहीं, गिर गया, इधर उधर हो गया, एक तो मिला नहीं। और फिर एक क्या हुआ, एंड अ बॉय हैड रन ऑफ विद द अदर। दो होता है ना स्लीपर, जोड़ा होता है दाहिने पैर का बाएं पैर का, तो एक पैर का तो मिला नहीं ढूंढने पे जब वो दौड़ के जा रही थी गलियों में गाड़ी से बचते हुए, और दूसरा वाला एक बच्चा उठा के ले गया। सेइंग दैट इट वुड कम इन वेरी हैंडी एज अ क्रेडल समडे व्हेन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, कि जब उसके खुद के बच्चे हो जाएंगे ना, वो उसका पालना बनाएगा अपने बच्चे के लिए, है ना। तो वो दूसरा वाला बड़ा सा चप्पल भी हो ले गया अपने साथ, और एक तो मिला ही नहीं। सो द लिटिल गर्ल वॉक्ड अबाउट द स्ट्रीट ऑन हर नेकेड फीट विच वेयर रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड। तो अब वो लड़की टहल रही है गलियों में नंगे पांव, और इसके पांव जो है लाल नीले हो चुके हैं ठंड की वजह से, स्थिति खराब हो गई यानी पैरों की। इन हर ओल्ड एप्रन, ये कपड़े वगैरह की बात हो रही है, शी कैरीड अ ग्रेट मेनी मैचेस, बहुत सारे माचिस लिए हुए हैं उसने, एंड शी हैड अ पैकेट ऑफ देम इन हर हैंड एज वेल, और हाथों में भी उसके एक पैकेट है माचिस का। Nobody had bought any from her. किसी ने एक भी माचिस उससे नहीं खरीदी, and no one had given her a single penny all day. पूरा दिन बीत गया लेकिन किसी ने एक पेनी भी उसको नहीं दिया। She crept along, shivering and hungry, the picture of misery, poor little thing. तो वो रेंगती रही ठंड से और भूख से, वो बिल्कुल दृश्य थी, पिक्चर थी, फोटो थी किसकी, माइजरी यानी कष्ट की, है ना, बेचारी बच्ची, पुअर लिटिल थिंग। द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर विच कर्ल्ड सो प्रेटिली अबाउट हर नेक। यहाँ पे स्नो फ्लेक्स, वो जो बर्फ गिरती है, तो वो गिर रही थी इसके लंबे सुनहरे बाल पे, है ना, और कर्ली हेयर थे इसके, और इतनी खूबसूरती और खूबसूरती से उसके गर्दन की तरह पे लिपटे थे। बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ हर अपियरेंस नाउ, लेकिन वो अपने जो अपीयरेंस के बारे में कि कैसे दिख रही है उसके बारे में नहीं सोच रही है। लाइट्स वेयर शाइनिंग इन एवरी विंडो,
हर खिड़की से रोशनी आ रही थी। आखिर न्यू ईयर का ईव है तो हर कोई 12 बजे रात तक जागा रहता है, फिर वो बम पटाखे फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं। एंड देयर वॉज अ ग्लोरियस स्मेल ऑफ रोस्ट गूज इन द स्ट्रीट। बड़ी शानदार खुशबू आ रही थी भुने हुए बतख की गलियों से। फॉर दिस वॉज न्यू ईयर ईव, नए साल की शाम थी, एंड शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। और वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। शी हडल डाउन इन अ हीप इन अ कॉर्नर फॉर्म्ड बाय टू हाउसेस, वन ऑफ विच प्रोजेक्टेड फर्दर आउट इन द स्ट्रीट देन अदर, बट दो शी स्टक्ड बट शो हाँ शी टक्ड हर लिटिल लेग्स अप अंडर हर शी फेल्ट कोल्डर एंड कोल्डर। हडल्ड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे उसने जो है ना अपने आप को सिकोड़ कर बैठा लिया एक हीप यानी ढेर में, कॉर्नर में था जो कि दो घरों के बीच में ढेर बन गया था। और एक घर तो जो है कि गली के तरफ था और दूसरा जो है बाई टू हाउसेज वन ऑफ विच प्रोजेक्टेड फर्दर आउट, जो दूसरा था गली से बाहर की तरफ निकल रहा था घर, देन द अदर दूसरे से अपोजिट में था। अच्छा तो यहाँ पे उसने अपने आप को, टक का मतलब होता है सिकोड़ लेना, अपना पैरों को सिकोड़ लिया। जैसे हम लोग बैठते हैं तो पैरों को पलटी मार के जिसको कहते हैं बैठते हैं ना, पैरों को बिल्कुल मोड़ लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं ताकि गर्मी महसूस हो। लेकिन यहाँ पे जब उसने ऐसा किया तो उसको और ठंडी लग रही थी, और ठंडी लग रही थी। शी फेल्ट कोल्डर एंड कोल्डर, और ठंड लगी। शी डिड नॉट डेयर टू गो होम, हिम्मत नहीं हो रही थी, जरूरत नहीं हो रही थी कि वो घर जाए। फॉर शी हैड सोल्ड नो मैचेस एंड अर्नड नॉट अ सिंगल पेनी, क्योंकि उसने एक पेनी एक पाई भी नहीं कमाई थी और एक भी मैचेस यानी कि माचिस की नहीं बेचा था। हर फादर वुड बी श्योर टू बीट हर, एंड बिसाइड्स इट वॉज सो कोल्ड एट होम, उसके पिता अवश्य ही उसे पीटेंगे, और इसके अलावा काफी ठंड थी घर पे भी। फॉर दे हैड नथिंग बट द रूफ अबव देम एंड द विंड विसल्ड थ्रू दैट, इवन दो द लार्जेस्ट क्रैक्स वेयर स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ एंड रैग्स। अच्छा घर क्यों नहीं जा रही थी? पापा पीटेंगे, इसके अलावा वहां भी ठंड होगी क्योंकि वहां पे छत के अलावा कुछ भी नहीं था जिसमें से हवा विसल्ड थ्रू दैट का मतलब साए साए की आवाज करके जो हवा आती है पास करती है, वो बड़ी बड़ी दरारें जो छत के अंदर थी स्टफ्ड मतलब भरी हुई थी स्ट्रॉ यानी कि घास फूस से, और इसके साथ रैक्स मतलब चीथड़ों से, स्ट्रॉ मतलब जो घास सूखी हुई घास रहती है वो, और चीथड़ों से भरी हुई थी। जैसे दरार वगैरह होते हैं कहीं मुक्की वगैरह, पहले के जमाने में लोग गांव वगैरह में देखा होगा कि वो प्लास्टिक वगैरह ठूंस देते थे, बंद कर देते थे मुक्की वगैरह कि लू वगैरह ना आए। हर थिन हैंड्स वेयर ऑलमोस्ट नंब विथ कोल्ड, उसके जो पतले हाथ थे ऑलमोस्ट सुन्न हो गए थे ठंड की वजह से। इफ ऑनली शी डेयर्ड पुल जस्ट वन स्मॉल मैच फ्रॉम द पैकेट, स्ट्राइक इट ऑन द वॉल एंड वार्म हर फिंगर्स। अब बस नम हो गए, नम का मतलब है सुन्न हो गए थे, लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ वो जरूरत करती कि एक माचिस निकाली और उसको उसने दीवार पे रगड़ा ताकि वो जले, ताकि वो क्या कर सके, अपने उंगलियों को गर्म कर सके। शी पुल्ड वन आउट स्क्रैच, तो देखो इसने वही किया, इसने एक माचिस की तीली निकाली और ये स्क्रैच आवाज है ना, उसको जो है कि जलाया। हाउ इट इज स्प्लटर्ड एंड बर्नट, यानी सर्र से आवाज हुई स्प्लटर्ड और बर्नट, कैसे वो जल गया। इट हैड अ वार्म गरम ब्राइट फ्लेम, चमकती हुई लौ थी, लाइक अ टाइनी कैंडल, जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती होती है। व्हेन शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, और उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा माचिस की तीले जला के, एक हाथ से जला के दूसरे हाथ से रखा। बट वॉट ए स्ट्रेंज लाइट, लेकिन क्या ही अजीब रोशनी थी। इट सीम टू द लिटिल गर्ल एज इफ शी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रेट आयरन स्टोव विथ पॉलिश्ड ब्रास नॉब्स एंड ब्रास ऑर्नामेंट। अब वो एक माचिस की तीली, अब यहाँ पे देखो हाव भाव बता रहा है, जैसे कि इंसान होता है ना कि अगर जैसे डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो सोचो उसके लिए कितना बड़ा हो जाता है। तो वो एक माचिस की तिल्ली कैसी महसूस हो रही थी, जैसे कि वो बड़े से चूल्हे के सामने बैठी हो
और वो चूल्हा पीतल का हो और उसके जो औजार वगैरह भी हो, ऑर्नामेंट्स यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, वो किसके हो? ब्रास के यानी पीतल के ही हो। उसका नॉब वगैरह जो है ऑन ऑफ करने वाला सब किसका हो? पीतल का। द फायर बर्न सो ब्यूटिफुली एंड गेव आउट सच अ लवली वार्म, और जो उसमें आग जल रही थी बड़ी खूबसूरत थी और उसको एकदम प्यार भरा भरी गर्मी दे रही थी। ओ हाउ वंडरफुल व्हाट दैट वाज, कितना ही आश्चर्यजनक था वो, शानदार था। द चाइल्ड हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हर फीट टू वार्म देम, तो बच्ची ने आप जो है कि अपने पैरों को भी स्ट्रेच किया था गर्म करने के लिए। व्हेन आउट वेंट द फ्लेम, और तब क्या हुआ? वो फ्लेम बुझ गया। अब जैसे ही फ्लेम बुझा, या नहीं मतलब माचिस की तीली बुझ गई। अब देखो आदमी एकदम परेशान हाल में रहता है तो उसको अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, तो यहाँ पे देखो उसको बता रहा है कि एक माचिस की तीली वही डूबते को तिनके का सहारा, कैसे मतलब उसको बताया कि हाँ उसके लिए वो कैसा महसूस हो रहा था। वो देख रही थी कि बड़ा सा स्टोव है, लेकिन जैसे ही माचिस की तीली बुझी द स्टोव वैनिश्ड एंड देयर शी सैट विद द बर्न्ट मैच इन हर हैंड। माचिस जली तो क्या ही ख्याल आया, क्या ही उसको दिखने लगा, लेकिन जैसे ही माचिस बुझी उसने देखा कि चूल्हा गायब हो गया और वो बैठी हुई है जली हुई माचिस के साथ अपने हाथों में। शी स्ट्रक अनदर, उसने दूसरा जलाया। इट बर्न्ड क्लियरली, साफ तौर से जला। वेयर द लाइट फेल अपॉन द वॉल, और ये रोशनी इस बार कहाँ गिरी? दीवार पे। द ब्रिक्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, जो दीवार थी वो ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाली हो गई। लाइक गॉज, गॉज मतलब होता है धुंध, धुंध में जैसे ना आर पार दिखता है उस तरीके से वो दीवार हो गई, उसके आर पार दिख रहा था। शी कुड सी राइट इनटू द रूम वेयर अ शाइनिंग व्हाइट क्लॉथ वाज स्प्रेड ऑन द टेबल, तो वो देख सकती थी दीवार के पार कि बिल्कुल साफ कमरे के अंदर क्या लगा हुआ है, एक चमकता हुआ सा कपड़ा लगा हुआ है, सफेद कपड़ा टेबल पे। इट वॉज कवर्ड विथ ब्यूटिफुल चाइना एंड इन द सेंटर इट स्टूड अ रोस्ट गूज स्टफ्ड विथ प्रून्स एंड एप्पल्स स्टीमिंग डिलिशियसली। अब यहाँ पे उसने ये देखा कि चाइना के बर्तन वगैरह से वो पूरा टेबल सजा हुआ है खूबसूरती के साथ, है ना, खूबसूरत खूबसूरत चाइना के बर्तनों से सजा हुआ है, और उस पे क्या रखा हुआ है? भुना हुआ बतख का मीट रखा हुआ है और भरा हुआ है किसके साथ? प्रून्स के साथ, एप्पल्स के साथ, और सबकी खुशबू बिल्कुल कैसी आ रही है? डिलीशियस आ रही है। डिलीशियस का मतलब बिल्कुल स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एंड वॉट वॉज इवन मोर वंडरफुल वॉज दैट द गूस हॉप्ड डाउन फ्रॉम द डिश वेडल्ड अक्रॉस द फ्लोर विद द कार्विंग नाइफ एंड फॉर्क इन इट्स बैक वेडल्ड स्ट्रेट अप टू द पुअर चाइल्ड। आप देखो कितना ही बेहतरीन उसको दृश्य दिख रहा है, कि इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक ये बात है कि जो बत्तख है ना वो उछल के नीचे आई, पंख फड़फड़ाते हुए, घोप्ड मतलब फड़फड़ाते हुए नीचे आई डिच से ऊपर से, और चली आई फ्लोर को पास करके, और उसके अंदर चाकू भी लगा हुआ है। देखो जैसे चाकू लगा हुआ है वैसे ही वो आ रही है, चलती है, चली आ रही है। उसके पीछे भी क्या लगा हुआ है? पीठ में चाकू, और वो चलती चली आ रही है सीधे कहाँ? उस बेचारी बच्ची की तरफ। देन आउट वेंट द मैच। अब जैसे ही ये बतख इसके तरफ आ रही है वैसे ही क्या हो गया? माचिस की तिले फिर बुझ गई एंड नथिंग कुड बी सीन बट द थिक कोल्ड वॉल। अब वो जो दीवार जिसके आर पार दिख रहा था अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस वो मोटा सा ठंडी दीवार दिख रही है। तो मतलब कैसे कैसे उसके अंदर देखो ख्याल आ रहे हैं, जब जब माचिस की तीली जला रही है तो जब जब उम्मीद जगती है तो तब तब आशाएं बनती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे लास्ट में मेरे भी एकदम बिल्कुल दिल को, मेरे रूह को ये कविता, ये जो है वो कहानी है छू गई, और आपके भी दिल को जरूर छुएगी ये, क्योंकि होता ही कुछ ऐसा है। आगे देखते हैं। शी स्ट्रक अनदर मैच, एक दूसरा माचिस निकाला। एंड सडनली शी वॉज सिटिंग अंडर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री। अगली बार जब इसने माचिस जलाया तो इसने अपने आप को पाया कि सबसे खूबसूरत क्रिसमस ट्री के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। इट वॉज मच लार्जर एंड मच लवलियर
than the one she had seen last year through the glass doors of a rich merchant house. एक अमीर व्यापारी के घर में शीशे के दरवाजों के थ्रू इसने एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा क्रिसमस ट्री देखा था। ये वाला उससे भी लार्जर बड़ा था, लवलियर प्यारा था। अ थाउजेंड कैंडल्स लिट अप द ग्रीन ब्रांचेस एंड गेली कलर्ड बॉल्स लाइक दोज इन द शॉप विंडोज लुक डाउन अपॉन हर। हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं और रोशन कर रही थीं इसके हरी पत्तियों को, हरी डालियों को, ब्रांचेस को। और गैली मतलब जो है रंग बिरंगे कलर के, जो चमकदार रंग बिरंगे जो बॉल्स थे, जैसे कि जो है कि वो खिड़की से देखी थी, है ना, शॉप विंडोज से वो उसकी तरफ देख रहे थे। द लिटिल गर्ल रीच्ड फॉरवर्ड विथ बोथ हैंड्स देन आउट वेंट द मैच। अब वो उन बॉल्स को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही क्या हुआ, रीच्ड फॉरवर्ड आगे को बढ़ी दोनों हाथों से पकड़ने के लिए, माचिस की तीली बुझ गई। द मेनी कैंडल्स ऑन द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर थ्रू द एयर एंड शी सॉ दैट दे हैड नाउ टर्न्ड इनटू ब्राइट स्टार। जो सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थी ढेर सारी, वो उठती गई हवाओं के साथ ऊपर, और ऊपर उठती गई और इतनी ऊपर चली गई कि वो तब्दील हो गई, बदल गई किसमें, चमकदार सितारों में। वन ऑफ देम फेल स्ट्रीकिंग द स्काई विद द लाइट। अब यहां पे भी देखो, पढ़ो लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसके आगे ही समझ में आ पाएगा। एक उसमें से जो सितारा है वो टूट के गिरा आसमान को चीरता हुआ, है ना, उस रोशनी चीरती हुई, स्ट्रीकिंग द स्काई, चीरती हुई रोशनी आसमान को, है ना, जो टूटता सितारा है कैसे जाता है, लोग मन्नत मांगते हैं। तो यहां क्या कह रही है, नाउ समवन इज डाइंग, टूटता हुआ तारा उसने आसमान में देखा, कहा कोई मरने वाला है, कोई मर रहा है। सैड द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची ने कहा, फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर द ओनली वन हु हैड एवर बीन गुड टू हर बट हु वॉज नाउ डेड हैड सेड वेन एवर ए स्टार फॉल्स अ सोल गोज अप टू गॉड। क्योंकि उसकी नानी माँ ने, यहाँ आप देखो कि ग्रैनी बोलती है उनको, तो ये नानी माँ है, ग्रैनी यहाँ पे देखो वर्ड यूज है। तो उसकी नानी माँ जो कि एक ही औरत थी जो कि हमेशा उसके साथ अच्छी पेश आई थी, जो कि अब मर चुकी है, उस नानी माँ ने कहा था कि जब भी कोई सितारा टूट के गिरता है एक आत्मा ऊपर जाती है ना, कहा भगवान को। शी स्ट्रक अनदर मैच ऑन द वॉल, एक और माचिस की तीली जलाती है। वंस मोर देयर वॉज लाइट, तो एक बार फिर से ज्यादा लाइट और ज्यादा रोशनी होती है। एंड इन द ग्लो स्टूड हर ओल्ड ग्रैंड मदर, और इस बार रोशनी में वो देखती है कि चमक में कौन खड़ा है, उसकी नानी खड़ी है। ओह सो ब्राइट एंड शाइनिंग एंड लुकिंग सो जेंटल काइंड एंड लविंग, कितनी चमकदार, कितनी रोशन और कितनी दयालु, कितनी काइंड, कितनी प्यारी दिख रही है, कौन, उसकी नानी। ग्रैनी क्राइड द लिटिल गर्ल, दादी चिल्लाई कौन, वो छोटी बच्ची, ओह टेक मी विथ यू, मुझे अपने साथ ले चलो। आई नो यू विल डिसअपियर व्हेन द मैच इज बर्न्ड आउट। बहुत गहरी सी बात है यहाँ पे, मतलब जब इंसान को, मतलब एक कह सकते हो जब मौत में समझ में आती है, जैसे कि किसी को मालूम हो कि हाँ एक दो दिन में मरने वाले हो, सोचो कैसा हाल होगा। यहाँ उसको एहसास हो गया कि आई नो यू विल डिसअपियर व्हेन द मैच इज बर्न्ड आउट, यू विल वैनिश लाइक द वॉर्म स्टोव, द लवली रोस्ट गूज एंड द ग्रेट ग्लोरियस क्रिसमस ट्री। तो वो यहाँ पे उसको एहसास हो गया कि पहले दो बार जो मैंने, तीन बार माचिस की तिलियां जलाई हैं, सारी चीजें माचिस की तिलियों के साथ गायब हो जा रही हैं, तो जैसे ये माचिस की तिली बुझेगी आप भी गायब हो जाएंगी, जैसे वो चूल्हा गायब हो गया, जैसे वो भुनी हुई बतख प्यारी गायब हो गई, और जैसे वो महान महिमा गान वाला ग्लोरियस शानदार क्रिसमस का पेड़ गायब हो गया। दादी, ये रही दादी, वो अपने दादी को देख रही है, माचिस के डिब्बे इसके पास हैं। देन शी क्विकली स्ट्रक ऑल द रेस्ट ऑफ द मैचेस शी हैड इन द पैकेट,
पैकेट में जो माचिस की तिलियां थी उनको वो जला देती है। फॉर शी डिड सो वॉन्ट टू कीप हर ग्रैंड मदर विथ हर, क्योंकि वो इस बार नहीं चाहती है कि पहले की तरह चीजें गायब हो जाएं, वो चाहती है उसकी नानी उसके साथ उसके सामने रहे। द मैचेस फ्लेयर्ड अप विथ सच अ ब्लेज दैट इट वॉज ब्राइटर देन ब्रॉड डे लाइट एंड हर ओल्ड ग्रैंड मदर हैड नेवर सीम्ड सो ब्यूटिफुल और सो स्टेटली बिफोर। अब ये जो माचिस की तिलियां हैं वो जली और ऐसे चमक के साथ ब्लेज के साथ कि वो रोशनी जो है दिन की रोशनी से ज्यादा थी, और उसकी बूढ़ी नानी जो कि कभी इतनी खूबसूरत नहीं दिखी थी और या फिर इतनी शानदार नहीं दिखी थी वो सामने दिख रही थी। शी टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स, उन्होंने उस बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया एंड फ्लू विथ हर हाई अप और ऊपर चली गई। ओह सो हाई और ऊपर चाहती चली गई टुवर्ड ग्लोरी एंड जॉय, ग्लोरी यानी कि महिमा और आनंद की तरफ। नाउ दे न्यू नाइदर कोल्ड नॉर हंगर नॉर फियर फॉर दे वेयर बोथ विथ गॉड। अब वो जानते थे कि न ही ठंड न ही कोई भूख है और न ही कोई अब डर होगा क्योंकि दोनों अब कहाँ हैं, भगवान के साथ हैं। बट इन द कोल्ड डॉन, लेकिन जब नए साल की सुबह होती है ठंड के साथ, जैसे 31 दिसंबर को तुम देखते हो कि कैसे ठंड भरी मौसम होता है और हमारे यहाँ जो विंटर की छुट्टियां भी होती हैं तो भी इसी वक्त हुआ करती हैं, तो सुबह डॉन भोर का समय है। इन द कॉर्नर फॉर्मड बाई टू हाउसेस, वो जो एक कोना था जहां हीप के पास वो बच्ची बैठी हुई थी सिकोड़ कर अपने आप को, सैट द लिटिल गर्ल विथ रोजी चीक्स एंड स्माइलिंग लिप्स। वहां पे वो बच्ची थी जिसके गुलाबी गाल थे और मुस्कुराते हुए होंठ थे, डेड फ्रोजन। मतलब मर चुकी थी, जम चुकी थी वो मर के। टू द डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, आखिरी शाम को जो पिछले साल की थी। द डॉन ऑफ द न्यू ईयर रोज ऑन द हडल्ड फिगर ऑफ द गर्ल। और ये जो सुबह है, ये सुबह होती है उठती है उस सिकुड़ी हुई जो फिगर है, जो चित्र है लड़की की, उसके साथ। शी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेस एंड हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्न्ड। अभी भी उसके हाथ में माचिस है और आधा पैकेट जो कि उसने जला दिया था वो जल चुका है। शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हरसेल्फ, पीपल सेड। लोगों ने कहा कि हाँ जरूर ये कोशिश कर रही थी अपने आप को गर्म रखने की। बट नो वन न्यू वॉट ब्यूटिफुल विजन शी हैड सीन एंड इन वॉट अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी शी हैड इंटर्ड विथ हर डियर ओल्ड ग्रैंड मदर इन टू द हेवनली जॉय एंड ग्लैडनेस ऑफ अ न्यू ईयर। लेकिन कोई ये नहीं देख पाया ना देख सकता था कि किस खूबसूरती के साथ कितने खूबसूरत दृश्य उसने देखे और कितने ही और कितनी शानदार चमक के साथ ग्लोरी के वो पहुंचती है, एंटर करती है ना अपने प्रिय नानी के साथ इनटू कहाँ पे हेवेनली जॉय यानी कि स्वर्ग के आनंद में और ग्लैडनेस में, खुशी में न्यू ईयर के। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।